तो अब हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम बाकी प्रोग्रामिंग की तरह ही है ऑलमोस्ट। और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम 8085 और 8086 में ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपने वो पहले पढ़े लिया होगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने से पहले यूजुअली माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस के अंदर होता ही है, तो सिलेबस में आपने वो चीज़ पढ़ी ली होगी। नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। जब हमारा सीपीयू काम करता है तो हमारा सीपीयू हमें ये पता है कि वो केवल बाइनरी यानी जीरो और वन की फॉर्म में काम करता है, इसी वजह से वो एक हाई स्पीड पर काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं उस जीरो और वन की फॉर्म में मैं अपने प्रोग्राम्स को लिखूंगा तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि मैं जीरो और वन की फॉर्म में प्रोग्राम करूँ, है ना। लेकिन प्रोग्राम के लिए ईजी है, ठीक है। तो जो ये जीरो और वन की फॉर्म में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन केवल और केवल जीरो या वन ही समझती है, बाइनरी इंफॉर्मेशन ही समझती है, है ना। जब मैं स्टार्टिंग में बहुत अर्ली स्टेज में था तो उसमें जब भी प्रोग्राम बनाए जाते थे तो प्रोग्राम सारे के सारे मशीन लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे, मतलब सारे के सारे प्रोग्राम को जीरो या वन की फॉर्म में ही लिखना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, है ना, और हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने 4 बिट को कंबाइन कर दिया एक सिंगल बिट में 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ में, तो वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हुआ, बट अभी भी डिफिकल्ट था लेकिन काम थोड़ा सा आसान हुआ। और उसकी फॉर्म में हमने जब से इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करा तो वहाँ पर हमने निमोनिक्स क्रिएट करे, यानी सपोज 21 को मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, 32 को मैंने फॉर एग्जांपल कोई और इंस्ट्रक्शन दे दिया, EF को मैंने कोई और इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंड सो ऑन। तो जो भी मेरे पास उसके कॉम्बिनेशन थे 8-8 बिट के, मैंने वहाँ पर अलग अलग निमोनिक्स दे दिए, जिससे कि वो प्रोग्रामिंग थोड़ी सी फास्टर हो गई मेरे लिए और कंपेरेटिवली कम चांसेस होंगे, क्योंकि 2 और 3 में डिफरेंस बताना इज ईजी एज कम्पेयर टू 0011 और 0010, है ना। ये कोई डेटा है और अगर मैं लिखूँ 0011 0010, तो इसमें मेरे को 8 बिट कंपेयर करनी पड़ेंगी और 2 3 में या 2 3 2 में मेरे को केवल 2 बिट कंपेयर करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये 8 बिट का कंपेरिजन इट इज़ डिफिकल्ट कंपेरेटिवली, है ना। तो इसमें एरर के चांसेस भी कंपेरेटिवली इस बाइनरी वाले से कम है, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में हम कई सारी टर्मोलॉजीज पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्मोलॉजी है असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा असेंबली लैंग्वेज में वो उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। यानी हम अपना प्रोग्राम किस में लिखेंगे, हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज में, जैसे कि MOV A, B फॉर एग्जाम्पल, है ना। और वो उस प्रोग्राम को MOV A, B का एक स्पेसिफिक निमोनिक होगा, ऑप कोड होगा, उस ऑप कोड में कन्वर्ट कर देगा। ऑप कोड आपको पता ही है, ऑपरेशन कोड, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कोड में यानी मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली लगभग लगभग CPU के इंटरनल स्ट्रक्चर से ही डील करती है, है ना। और हमें समझने में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी है। हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि बेसिक, सी, पास्कल, पाइथन, जावा, है ना, ये सारे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ईजिली समझ सकते हैं, लेकिन CPU को समझाने में हमें इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो असेंबलर है वो ट्रांसलेट करता है किसको, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, इसमें मशीन कोड में। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हम लोग कंपाइलर यूज़ करते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, तो मुझे सी कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं पाइथन में लिख रहा हूँ तो मुझे पाइथन के कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज फॉर्मेट में हम लोग असेंबलर का यूज़ करते हैं, जिससे कि मैं अपने प्रोग्राम को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर सकूं, जिससे कि सीधे सीधे प्रोग्राम को मैं प्रोसेसर को फीड कर दूं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है असेंबली लैंग्वेज में। स्ट्रक्चर जो अगर हम देखें तो हमारे इंस्ट्रक्शंस कई सारे टाइप के हो सकते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन से हम अपने प्रोग्राम का असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं जो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस की होती हैं। ऑब्वियसली अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं कई सारी लाइंस के अंदर प्रोग्राम लिखूंगा, तो ये इंडिविजुअल लाइन के अंदर क्या है, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, है ना। और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं निमोनिक्स, जो हमने बोला फॉर एग्जाम्पल मूव, है ना। और सपोज मैंने बोला आपसे कि मूव करना है A, B, यानी बी के कंटेंट को ए में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऑपरेंड्स भी होंगे, तो ऑप कोड तो होंगे ही, ये होंगे ऑप कोड्स, है ना, और ये होंगे ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स इमीडिएट डेटा भी हो सकता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के करस्पॉन्डिंग मेरे डेटा भी हो सकते हैं, है ना। तो वो मेमोरी लोकेशन,
या रजिस्टर या इमीडिएट डेटा, वो कोई भी टाइप का ऑपरेंड हो सकता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेंड मुझे इंस्ट्रक्शंस को बनाने में कंप्लीट करने में चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी इनकी, है ना। निमोनिक्स जो कमांड है वो सीपीयू रीड करेगा और उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो आगे वाला डेटा है वो इमीडिएट डेटा है या रजिस्टर है या जो भी चीज़ है, ठीक है। गिवन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ये एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है या लाइंस है, कई सारी सीरीज या लाइंस है जिसमें कि असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होंगे, जैसे कि ऐड, मूव या फिर कुछ स्टेटमेंट्स भी होते हैं जिनको डायरेक्टिव्स बोलते हैं। और चूंकि हम असेंबली लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं तो इन डायरेक्टिव्स को असेंबलर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। असेंबलर डायरेक्टिव्स वो सूडो इंस्ट्रक्शंस हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो स्टोर्ड नहीं है, वो माइक्रो कंट्रोलर के या माइक्रो प्रोसेसर के इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस हैं असेंबलर के, क्योंकि तो वो असेंबलर को डायरेक्ट करते हैं कि तुझे करना क्या है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में मूव, ऐड इंस्ट्रक्शंस, है ना, ये, और जो हमने कुछ क्या कहते हैं डायरेक्टिव्स यूज करे हैं वो डायरेक्टिव्स हैं सीपीयू के लिए। फॉर एग्जांपल और, एंड, ये डायरेक्टिव्स हैं। वन बाय वन अभी इनकी स्टडी करेंगे। और क्या मुझे बताएगा, ये बताएगा कि मेरे को पहला ऑपकोड कहाँ मिलेगा, मेमोरी लोकेशन जीरो बताएगा वो कि मेरा और जो है ऑरिजिन जो है वो मेरा मेमोरी लोकेशन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल एंड मुझे बताएगा कि ये मेरा सबसे लास्ट प्रोग्राम का एंड है, टर्मिनेट हो गया मेरा प्रोग्राम, सोर्स कोड मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। मुझे ये दोनों चीज़ें बताएंगी कि प्रोग्राम कहाँ पर शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। बेसिकली ये दोनों या और कई सारे चीज़ों के लिए हम लोग डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं कई सारी चीज़ें का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले निमोनिक देखते हैं, उसके बाद निमोनिक के बाद ऑपरेंड, मूव फॉर एग्जाम्पल, मूव है ना, और मूव ए कॉमा बी, तो ये ऑपरेंड्स हो गए। अगर मुझे कमेंट लिखने हैं तो मैं कमेंट लिख सकता हूँ कि ए के कंटेंट्स हो जाएंगे बी के कंटेंट, ये मेरा कमेंट हो गया शॉर्ट फॉर्म में। और लेबल मतलब जिस मेमोरी लोकेशन पर मैं फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, वो लेबल मेरा यहाँ पर हो गया। तो ये चार चीज़ें मेरे को चाहिए। अगर मैं ये हटा दूंगा और ये हटा दूंगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट ये दो चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए अगर मैं अपना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसा दिखता है मेरा प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली सपोज़ मैंने यहाँ पर ये ओरिजिन लिख दिया, यानी जीरो एच पर मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है ना, ये मेरा असेंबली डायरेक्टिव है। उसके बाद मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, अगर मैंने कोई कंडीशनल जंप्स लगाई हैं तो वो किस लोकेशन पर सब रूटीन को कॉल कराए, वो सब रूटीन कहाँ है वो लिख दिया, और उसके बाद अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए दूसरा ओरिजिन की तरह से असेंबली डायरेक्टिव लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरा एक जनरल इंस्ट्रक्शन जनरल प्रोग्राम हो गया, और इधर मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे मेरे कमेंट्स ताकि मैं अपने प्रोग्राम को समझ सकूँ, समझने में मेरे लिए कंपेरेटिवली या मेरे लिए क्या जो प्रोग्राम बना रहा है उसके लिए तो आसान होंगे ही, लेकिन ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोग्राम बनाया और मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, या आपने प्रोग्राम बनाया अपने फ्रेंड के लिए और वो समझना चाह रहा है उसको, तो उसको समझने के लिए भी ये कमेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं असेंबलर और असेंबलर डायरेक्टिव्स एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसमें केवल एक ही डेटा टाइप है, उसको डिफाइन करते हैं डिफाइन बाइट के नाम से, है ना। ये 8 बिट का होता है क्योंकि हमारे सारे रजिस्टर्स का साइज भी 8 बिट का है, हर मेमोरी लोकेशन पर भी हम 8 बिट का डेटा भेजते हैं, इसलिए हम डेटा टाइप को भी 8 बिट का ही डिफाइन करते हैं। डीबी डायरेक्टिव, ये जो असेंबलर डायरेक्टिव है डीबी डिफाइन बाइट, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड डायरेक्टिव है असेंबलर के अंदर, क्योंकि इसमें हमें ये बताएगा कि जो भी डेटा है वो सारा का सारा 8 बिट का ही फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस डेटा के आगे लिख देता हूँ डी, तो वो डेटा रिप्रेजेंट करेगा 8 बिट का डेसिमल डेटा। अगर मैं उसके लिख देता हूँ आगे बी, तो वो बाइनरी डेटा हो जाएगा। अगर मैं उसके आगे लिख देता हूँ एच, तो वो हेक्साडेसिमल डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे सेपरेटली उस डेटा को हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में या डेसिमल में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि 32 बिट का 32 डेटा है, वो 32 डेटा डेसिमल में है, तो ऑटोमेटिकली वो 32 डेटा के आगे अगर मैं डी लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा उसको उसके करस्पॉन्डिंग हेक्स कोड में, क्योंकि प्रोसेसर अल्टीमेटली हेक्स कोड में एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैंने उसको बाइनरी फॉर्म में लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो बाइनरी फॉर्म से हेक्स कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव्स एक तो हमने पढ़ लिया डीबी डिफाइन बाइट, है ना, ये बाय डिफॉल्ट है ही। इसके अलावा 3 है, ओरिजिन, इक्वेट और एंड। सबसे पहले पढ़ते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मुझे पता है ये बिगिनिंग बताएगा मेरा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओरिजिन को हम हेक्स में या डेसिमल दोनों ही फॉर्म में दे सकते हैं, है ना। अगर एच लगाता हूँ
वो बाई डिफॉल्ट डेसिमल है, और अगर एच नहीं लगाता, एच लगा नहीं लगाता हूँ है ना, तो वो बाई डिफॉल्ट डेसिमल है, अदरवाइज वो हेक्साडेसिमल डेटा है। ठीक है, इसको हम कई कई किसी किसी असेंबलर्स में डॉट ओ आर जी की तरह भी इस्तेमाल करते हैं रादर देन ओ आर जी। ठीक है, इसके अलावा दो असेंबलर डायरेक्टिव्स और हैं, एक है इक्वेट। इक्वेट को हम एक एक तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम किसी कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जनरल प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उस प्रोग्राम में मेरे को एक कॉन्स्टेंट यूज़ करना है, ठीक है, और उस कॉन्स्टेंट को मैं अपनी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल ई क्यू यू इक्वल टू 25। अब जहाँ जहाँ भी मैं इस ई क्यू यू का इस्तेमाल करूँगा वहाँ वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो 25 हो जाएगा, है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक कॉन्स्टेंट कई बार यूज़ करना है ना, तो मैंने एक कॉन्स्टेंट ई क्यू डिफाइन कर दिया और उस कॉन्स्टेंट को मैंने कई बार यूज़ कर लिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल उस कॉन्स्टेंट को चेंज करना है ना, फॉर एग्जाम्पल वो जो कॉन्स्टेंट है वो 25 ना होने की बजाय 29 होता, 30 होता, कुछ भी होता, तो अगर मैं उस प्रोग्राम में सपोज मैं 10 जगह यूज़ कराया तो वो 10 जगह चेंज करना पड़ता। लेकिन अगर मैं इस तरीके से प्रोग्राम लिखूंगा जहाँ पर ई क्यू यू असेंबली डायरेक्टिव का इस्तेमाल करूंगा, तो जो कॉन्स्टेंट है ना, उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू एक ही जगह डिफाइन है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने यहाँ पर 20 जगह लिख दिया, 25 की जगह लिख दिया 39, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ भी ई क्यू यू यूज़ हो रहा होगा वहाँ वहाँ पर अब जो 25 ना यूज़ करके 39 यूज़ कर लेगा। तो मैंने अपने प्रोग्राम में केवल एक जगह चेंज करा और बाकी सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते टाइम हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम रिपीटेटिवली कोई वैल्यू चेंज करते हैं उसको हम एक वेरिएबल स्टोर कर दें, ताकि मैं उस वेरिएबल को केवल एक ही बार चेंज करूँ और बाय डिफॉल्ट वो बाकी सारी जगह चेंज हो जाए। तो उस वेरिएबल को नेम नाम देने का एक तरीका है ई क्यू यू इक्वेट असेंबलर डायरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा हमारा तीसरा है एंड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सोर्स मुझे बताएगा कि ये कहाँ पर असेंबलर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसको हम डॉट एंड से भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल एंड भी यूज़ कर सकता है, इसमें और कुछ नहीं, केवल केवल मुझे ये पता लगेगा कि मेरा एंड डायरेक्टिव जो है वो यूजुअली लास्ट लाइन में लिखा जाता है। तो अगर एंड डायरेक्टिव लास्ट लाइन में लिख रखा है, दैट मीन्स उसके आगे जो भी लिखा है वो सारा का सारा प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, इसके अलावा हम दो तीन चीज़ें और पढ़ लेते हैं, असेंबलिंग और रनिंग कैसे करते हैं 8051 प्रोग्राम में। तो इसके चार स्टेप्स हैं, अगर मैं फ्लो चार्ट में देखूँ तो सबसे पहले मेरे पास एक एडिटर होगा कि जहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम लिखूँगा, टाइप करूँगा, है ना। उसके बाद उस एडिटर वाली फाइल में मैं अपने प्रोग्राम को असेंबलिंग असेंबली फाइल में कन्वर्ट करूँगा। असेंबली फाइल में दो टाइप के प्रोग्राम्स होंगे, एक तो होगा लिस्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिस्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो टाइप की फाइल्स मेरे को मिलेंगी, है ना। और फिर अगर मेरे को किसी और ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करना है अपने मेन प्रोग्राम के साथ, जैसे कि सब रूटीन वाले प्रोग्राम्स को की ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करना है, तो ऑटोमेटिकली मैं लिंकर प्रोग्राम का इस्तेमाल करूँगा। वो लिंकर प्रोग्राम इन सारी फाइल्स को कंबाइन करके मुझे क्या दे देगा, एक एब्स्ट्रैक्ट फाइल दे देगा, और उस एब्स्ट्रैक्ट फाइल को मैं हेक्साडेसिमल फाइल में कन्वर्ट करने के बाद अपनी हेक्साडेसिमल हेक्स एक्सटेंशन में अपने डेटा को ले लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी एडिटर है, चाहे नोटपैड हो या कोई और एडिटर हो, है ना, या एमएस डॉस हो, वहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को लिख लूँगा, तो ये एडिटर प्रोग्राम के अंदर आएगा। एडिटर प्रोग्राम मेरे को क्या करेगा, ये एक एस्काई फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा, क्योंकि सपोज मैंने लिखा ए या मैंने लिखा बी या मैंने लिखा सी, उस ए बी सी को कंप्यूटर या प्रोसेसर कैसे समझेगा, वो समझेगा हेक्स कोड के थ्रू। लेकिन हेक्स कोड ए बी सी के अलग अलग बनाने मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ेंगे, तो वो कैरेक्टर जो है वो सपोज हैश है, अब हैश का तो हेक्स कोड मुझे नहीं पता फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या करूँगा, मैं उसको यूज़ करूँगा एस्काई फाइल, एस्काई कमांड्स के थ्रू। एस्काई कमांड में हम हर सिंबल को एक एस्काई पर्टिकुलर एस्काई कोड देते हैं, और वो एस्काई कोड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, यानी जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था ए बी सी या हैश या कॉमा या मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी साइन लगा रखे थे एट द रेट, वो सारे के सारे मैं इस एडिटर प्रोग्राम से अपने एस्काई कोड में कन्वर्ट कर लूँगा। और एस्काई कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये ए एस एम जो है, ए एस एम फाइल का आउटपुट देगा, ये ए एस एम फाइल यानी अब असेंबलर में यूज़ करने लायक फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में हम लोग ए एस एम सोर्स फाइल को कन्वर्ट करेंगे मशीन कोड में। ठीक है, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये दो टाइप के एक्सटेंशन फाइल देगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल देगा और एक लिस्ट फाइल देगा। ठीक है, अब अगर मैं लिंकिंग स्टेप की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे को इस मेन प्रोग्राम में एक सब रूटीन कॉल करना है, वो सब रूटीन किसी और जगह पे है ना, तो ऑटोमेटिकली उस सब रूटीन की एक दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। तो अगर मैं उस प्रोग्राम में
इस सब रूटीन को कॉल करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट फाइल को भी अपने मेन प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मुझे इस लिंकर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और अगर मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता तो आई कैन स्किप दैट, अगर मैं कोई सब रूटीन कॉल नहीं कर रहा हूँ तो आई कैन स्किप दैट, ठीक है। उसके बाद ये जो एप्स फाइल मेरे को मिली है ना, ये जो एप्स फाइल लिंकर प्रोग्राम के थ्रू मिली, इस एप्स फाइल को मैं ऑब्जेक्ट टू हेक्स कन्वर्टर के थ्रू अपना हेक्साडेसिमल फाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। जो भी असेंबलर मैं प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, उस असेंबलर प्रोग्राम में अल्टीमेटली मेरे को हेक्स फाइल में वो फाइल मिल जाएगी, सीधे सीधे जीरो और वन की फॉर्म में मिल जाएगी, और उस जीरो और वन की फॉर्म को फाइल को मैं सीधे सीधे अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न कर दूंगा, और तब मेरा प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में वर्क करने के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है।